अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लड़की पागल हो गई हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? हमारे घर में, हमारे छत के नीचे हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे पे इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? दिव्या, 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 देख, तुझे कोई गलत फहमी हो रही होगी, पर मैं ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, वो इस महल के हैं तो वो सही बोल रहे हैं और मैं झूठ बोल रही हूँ। गरीब की कोई इज्जत ही नहीं है। कसम, यही वो इंसान है जिन्होंने मारे इज्जत भी हाथ डालने की कोशिश की थी। इसके कहने पर मैं अबीर के ऑफिस में गई। वहां काम देने के बहाने मारे को बुलाया था। मारे को ऐसे छूने लगा, वो तो कैसे भी करके भाग गई वहां से, वरना पता नहीं आज हमारे साथ और क्या क्या होता। बस दिव्या बस, अब हम एक और शब्द नहीं सुनेंगे अपने बन्ना साह के खिलाफ। ऐसा कभी नहीं कर सकते, हमें औरतों की इज्जत करना अच्छे से आता है, हम जानते हैं ये। तू क्या, अगर भगवान भी आकर कहेंगे ना तो भी हम ना मारेंगे। वाह, सही कहा है किसी ने, अमीर घर में जाने के बाद ना गरीबों की मजबूरी मजाक लगने लगती है। 4 दिन हुई ना शादी को और आंख बंद करके पति पर इतना भरोसा करती है। पर मैं तो तारे बचपन की दोस्त हूँ, मारे ऊपर इतना सारा विश्वास नहीं है तुझे, तू जानती है ना झूठ नहीं बोलती। और तू सोच कोई लड़की इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? लेकिन तुझे क्यों फर्क पड़ेगा, तू तो इस तुम्हारे खानदान के फरेब के रंग में रंग चुकी है, तू क्यों सच का साथ देगी? हाँ, 2 घंटे का समय देता हूँ मैं अबीर को, अगर इन 2 घंटों के अंदर अबीर ने अपने आप को पुलिस को सरेंडर नहीं किया तो मजबूरन हमें उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट निकालना पड़ेगा। उसे जेल में ही सड़ना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती का केस है ये, और आप तो जानते ही हैं, ऐसे मामले जल्दी सुलझते नहीं। तुम दोनों हवेली के बाहर ही रुको, जैसे ही अभी राय मुझे फौरन इतला कर देना। चलिए मैडम, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ये तूने सही नहीं किया विधि, थारे से न्याय मांगने आई थी मैं। थारी शादी जबरदस्ती हुई थी ना, थारे पति की मर्जी के खिलाफ जाकर, कितने दिनों से जानती हूँ उन्हें, इतनी जल्दी इतना भरोसा कर लिया उनके ऊपर? हाँ, ज्यादा वक्त नहीं लगता इंसान पे भरोसा करने के लिए। अगर इंसान का मन साफ हो ना तो आंखें बंद करके उस पर भरोसा किया जा सकता है। जाते जाते एक और बात सुनती जा, हमारे पति निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कानून आपके साथ है, आपको जरूर न्याय मिलेगा। चलो,
एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस गोज टू दिव्या. बहुत ही अच्छा काम किया तुमने. जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही किया है तुमने. हम अमीर को तिल तिल कर मारना चाहते हैं. खैर ये लो अपने काम की कीमत. थैंक यू. वैसे चाल तो आपने बहुत अच्छी चली है, पर आपने मुझे क्यों चुना इस काम के लिए? क्योंकि दिव्या तुम कोई भी लड़की नहीं हो, तुम विधि की बचपन की दोस्त हो. और जब सबको पता चलेगा कि उसके कहने पे तुम अबीर से मिली तो सब बरस पड़ेंगे उस पे. बेचारी किस किस को जवाब देगी? उसे तो ये भी नहीं पता कि बाजार में तुम्हारा उससे इत्तेफाक से मिलना. दिव्या तू भी हमारी ही चाल थी. वो तो ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने तो 2 घंटे की मोहलत दी अबीर को. अब उसके बीच में विधि या किसी और ने उसे ढूंढ लिया और पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया तो अबीर को कोई नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसे गायब करने के पीछे भी हमारा ही हाथ है. हो सकता है विधि ये जंगल वालों ने बिछाया होगा जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए. तुम हमारा एक्स नाइफ उठा के दो. क्या? एक्स नाइफ उठा, अरे चाकू उठा के दो यार. बना से ये लीजिए. रामबो तारा बहुत बहुत शुक्रिया. आज तो अम्बे माँ का दूध बन कर आया. आज तू नहीं होता तो पता नहीं बनासा के साथ पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता. एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारा पीछा क्यों कर रही हो यहाँ पे भी? और ये रैम्बो यहाँ क्या कर रहा है? बना सब वो पूजा के बाद जब आप ऊपर गए तो वहां दिव्या आई थी. देख, देख क्या हालत किया है तेरे पति ने. आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है. सफाई वो लोग देते हैं जो जिन्होंने कुछ किया हो. लेकिन आप तो बेगुनाह है. हमें आपकी हर बात पर भरोसा है. चाहे दिव्या जो कुछ कहे, बस ये बात हमें वो दरोगा साहब को भी साबित करनी है. उन्हें साबित करना है कि आपने कुछ नहीं किया है. उन्होंने सिर्फ 2 घंटों की मोहलत दी है बना साहब. वो 2 घंटे के अंदर हमें थाना जाओगे, वरना उन्होंने कहा है कि वो आपके खिलाफ वो नॉन अवेलेबल वारंट वही वो ही आपके खिलाफ जारी करेंगे. पना सा हमारे पास सिर्फ 7 मिनट है. सिर्फ 7 मिनट वो थाने जाने के लिए. आप चलिए हमारे साथ. चलो. देखिए जन्म जन्म का साथ सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर.